सिग्नल पर जो जेब्रा क्रॉसिंग को क्रॉस करेगा उसकी खैर नहीं, कैप्शन आप पढ़ रहे हैं और नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं आपके साथ सोमिल अब्रोल। इस समय विक्रम चौक में ट्रैफिक पुलिस और जो एग्जीक्यूटिव पुलिस है वो एक्शन में है, और एक्शन में इसलिए है ताकि ये जो जेब्रा क्रॉसिंग है, इस जेब्रा क्रॉसिंग पे अगर सिग्नल जब रेड होगा तो कोई अगर रुकेगा नहीं तो उसकी खैर नहीं, उसको भरना पड़ेगा चालान, क्योंकि पहले भी कई सारी ड्राइव यहाँ पर चलाई गई हैं और हम अक्सर यहाँ पर वो कवर भी करते हैं। जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर जो चालान है वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर गाड़ियाँ जब आती हैं काफ़ी तेज़ स्पीड में होती हैं और पैदल चलने वाले जो लोग हैं उनको भूल जाती हैं। कई सारे हादसे यहाँ पर हो चुके हैं, जिसमें हिट एंड रन का मामला भी एक सामने आया था जिसमें एक महिला की मृत्यु हो गई थी इसी जगह पर। और यहाँ पर आप देखें कि ट्रैफिक पुलिस और उसके साथ साथ जो एग्जीक्यूटिव पुलिस है मिलकर ये नाका जो है, ये कंबाइनली नाका यहाँ पर जो है लगाया गया है, और वॉयलेटर्स को यहाँ पर उनका चालान जो है वो किया जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और यहाँ पर देखें कि वॉयलेशंस के साथ साथ मास्क के चलान भी जो है वो किए जा रहे हैं। ये मास्क के चलान है, ये वेयर हाउस पुलिस पोस्ट जो है यहाँ की कंसर्निंग उनकी डिविजन में आता है। और ये मेटाडोर्स के बीच में भी आप देखें कि स्पेशली मेटाडोर्स में भी जो है वो चेक किया जा रहा है, और चेकिंग ये की जा रही है कि मास्क जिन्होंने नहीं लगाया उनका चालान किया जा रहा है। तो हम आपको बता दें कि ट्रैफिक पुलिस एक तरफ जहां वॉयलेटर्स को चालान कर रही है, दूसरी तरफ एग्जीक्यूटिव विंग है पुलिस का, वो जिन्होंने मास्क नहीं पहना उनको भी यहां पर चालान किया जा रहा है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या जो चालान इनका किया जा रहा है, चलिए वो तो इन्होंने अगर कोई कानून जो बना है उसका वॉयलेशन किया है, उसको तोड़ा है, तो वो तो किया ही जा रहा है। लेकिन दूसरी बात ये है कि जब आप रोड पे आते हैं तो आपको जो ड्राइविंग स्किल्स हैं अपने वो तो दिखाने ही हैं, उसके साथ साथ जो कानून है वो भी उनका भी पालन करना है। अगर सिग्नल पे ब्रेक मारनी है, जब रेड लाइट होगी तो आपको ब्रेक मारनी है, लेकिन ब्रेक कहाँ मारनी है उसका भी ख्याल रखना है, क्योंकि रोड सिर्फ गाड़ियों के लिए नहीं है, पैदल चलने वाले जो लोग हैं उन्होंने भी ऑफ रोड चलना ही है। तो ये कई चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना है। जेब्रा क्रॉसिंग पे अगर आप रुके हैं लेकिन आपको कहाँ रुकना है वो भी काफी ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर हमारे साथ जो कंसर्निंग यहाँ के DTI हैं अतुल सिंह, इनसे हम बात करेंगे। सर, आज क्या स्पेशल नाका जो है आपके द्वारा लगाया गया है? हम देख रहे हैं कि जो जेब्रा क्रॉसिंग के पास को जो क्रॉस कर रहे हैं या सिग्नल को जंप कर रहे हैं उन वॉयलेटर्स का आप चालान कर रहे हैं, क्या कुछ अवेयरनेस के लिए उनको कहा जा रहा है और किस तरह की ड्राइविंग? क्योंकि ये हमारे रूटीन में ही चलता है, लेकिन आज हमारे SSP सिटी ट्रैफिक जम्मू श्री कुशल शर्मा साहब की डायरेक्शन पर और एडिशनल SP श्री राजपाल सिंह की डायरेक्शन पर हमने स्पेशल नाका ये लगाया है और रेड सिग्नल जंपिंग का। इसमें पहले तो कल हमने लोगों को बहुत अवेयर किया था, कल हमने लोगों को बताया था कि ये जो जेब्रा क्रॉसिंग है इसके आपने पीछे गाड़ी रोकनी है ताकि जो पेडेस्ट्रियन है उसको भी चलने के लिए रास्ता मिल जाए। तो आज हमने यहाँ जॉइंट नाका लगाया है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी हमारे साथ है और हमारे SO जो विक्रम चौक है वो भी हमारे साथ है। हम लोगों को यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो लोग सिग्नल तोड़ के आ रहे हैं उनको हम यहाँ चालान कर रहे हैं, और वो लोगों को हम अवेयर भी कर रहे हैं। ज़्यादा हमारा फोकस है लोगों को अवेयर किया जाए कि ये कितना खतरनाक हो सकता है रेड सिग्नल को जंप करना। आपसे एक सवाल रहेगा, जिस तरह आपने बताया कि कितना खतरनाक हो सकता है रेड सिग्नल को जंप करना, यहाँ पे कई सारे हादसे भी हो चुके हैं, यहाँ पर हिट एंड रन का मामला भी सामने आ चुका है, इसके साथ साथ कई सारी डेफिशिएंसीज भी होती हैं, कभी ट्रैफिक लाइट चल रही होती है कभी नहीं चल रही होती, हालांकि
आपके डोमेन में नहीं है वो चीज़ें, लेकिन क्या आप वो नोटिस में लाते हैं रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के साथ जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स हैं, PWD डिपार्टमेंट हैं या जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स हैं, वो डेफिशिएंसीज को आइडेंटिफाई किया जाता है? देखिए, जो ट्रैफिक लाइट्स का जो कंसर्न है, विक्रम चौक पर ट्रैफिक लाइट जो है वो बिल्कुल चल रही है, बाकायदा चल रही है। कभी उसमें कोई मॉल फंक्शन आ जाए तो वो हम कंसर्न हम अपने जो हमारा प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करके वो बताते हैं और वो उसको ठीक भी कर लेते हैं। तो बाकी हमने आपने देखा होगा कि पिछले काफ़ी 2-4 महीनों से हम जो है अवेयरनेस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। हम पहले लोगों को चलान नहीं करते, पहले लोगों को हम अवेयर करते हैं कि लोगों को बता देते हैं। कई बार लोगों को नहीं पता होता है कि लोग सोचते हैं कि गाड़ी वो है ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर ही खड़ी कर देते हैं, तो इसलिए पहले हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं। और मोरेवर खाली विक्रम चौक में नहीं, ये पूरे जम्मू सिटी में ही हमने चलाया हुआ है यह अभियान। चलिए, तो यहाँ पर जो ड्राइव है वो चलाई जा रही है। एक सवाल और हमें याद है ठीक से कि ट्रैफिक पुलिस जम्मू द्वारा जो एक स्पीड रडार जो थी, एक वो डिवाइस था, वो इंट्रोड्यूस किया गया था, वो लाया गया था, और उसमें हमने देखा था कि जो सीनियर ऑफिसर थे वो स्पीड लिमिट को भी चेक करते थे। सर, यहाँ पर देखा जाता है अक्सर शाम को ये बहुत बड़ा चौक है। हमारा मेन फोकस इस पे यही है कि लोग कंट्रोल हो जाएं, इसीलिए हमने अभी ये नाका लगाया है। हम शाम को भी लगाएंगे, बीच बीच में हम लगाते रह रहे हैं। हमारे SO साहब तकरीबन जो मतलब 12 घंटे यहीं पर होते हैं, चौक के ऊपर ही होते हैं। मेन फोकस हमारा यही रहता है। और स्पीड गन भी हम यूज कर रहे हैं, स्पीड गन जो है मैक्सिमम वो हाईवे पे यूज़ हो रही है, शहर के अंदर भी हम यूज़ कर रहे हैं। हम लोगों को बेसिकली अवेयर कराना चाहिए, और आपके माध्यम से मैं ये अपॉर्चुनिटी लेता हूँ कि लोगों को अवेयर किया जाए कि आप लोग जो है जो प्रिस्क्राइब स्पीड है उसी स्पीड में ही गाड़ी चलाएं। वो आपके लिए तो खतरनाक है ही है, वो जो रोड पर आदमी चल रहा है उसके लिए भी खतरनाक है। हम अपने आप को तो चोट पहुँचा सकते हैं, उसको भी चोट पहुँचा सकते हैं। तो आपके जरिए से ये हमारा एक मैसेज रहेगा, प्लीज़ आप ट्रैफिक रूल्स फॉलो करिए। कहीं पर अगर आपको कोई कमी आती है और हमें बताएं भी कि यहाँ पे कोई कमी है, ताकि हम उसमें थोड़ा सा अपना सुधार भी कर सकें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक मैसेज इन्होंने दिया है कि जहाँ आपको कोई कमी लगती है ट्रैफिक पुलिस द्वारा, उसका सुधार भी हम जो है वो करेंगे। और एग्जीक्यूटिव पुलिस द्वारा कंबाइनली ये जो नाका है वो लगाया गया है, और आप देखेंगे स्पेशली जिन लोगों ने मास्क नहीं लगाए हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई जो है वो की जा रही है। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं सोमिल अब्रोल, जम्मू परिवर्तन के लिए।